मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी मम्मी, नहीं जी पाऊंगी, मैं सच्चाई के साथ नहीं जी पाऊंगी, मुझे ऐसे नहीं जीना है, मुझे ऐसे नहीं जीना है, मैं मरना चाहती हूँ। नहीं बेटा, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे नहीं जीना है ऐसे। अरे वो 2% की नौकरानी की वजह से तुम अपने आप को इतना छोटा कैसे समझ सकती हो? तो मिश्री सीरियल के एपिसोड में अब तक हमने देखा था कि भाई इस बार हमारी मिश्री ने एक बेहद बड़ा कदम उठा लिया था। जी हाँ, कहानी में हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से इस बार मिश्री ने अपनी और राघव की शादी का सच सबको बता दिया था। और भाई जब से ये सच सामने आया है तब से तो भाई सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। सब लोग बेहद गुस्सा है हमारी मिश्री पर, सभी लोगों का, सभी घर वालों का गुस्सा जो है सिर्फ और सिर्फ मिश्री पर बरस रहा है। तो भाई इस बार जो हमेशा से हमारी वाणी मैडम जो है हमेशा से मिश्री का साथ देते हुए नजर आई है, उसके साथ खड़ी है, उसका सपोर्ट किया है। तो मेरा बच्चा है, मेरी वाणी है सबसे सुंदर, मुझे कितना प्राउड है तुझ पे, तुझे पता है वाणी तुम नहीं रोगी, रोएंगे तो वो ना, वो दोनों जिन्होंने गलती की है, तो सजा भी तो उन्हीं को मिलेगी ना, रोते नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इस बार वाणी भी हो गई है हमारी मिश्री के अगेंस्ट, और भाई इस बार हमारी वाणी जो है वो करने लगी है अपनी मिश्री से नफरत। जी हाँ, एपिसोड में हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पर वाणी जो है मिश्री को थप्पड़ भी जड़ देती है, और इस बार वो उसे बार बार नौकरानी का दर्जा देते हुए उससे बात करती है। और इसी के सामने आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई किस तरह से यहाँ पर हमारी वाणी मैडम ने राघव के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है और कहती है उससे कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातों का विश्वास। क्या क्या अपने राघव जी, आपको वाणी दीदी के साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाहिए, ये सब कर रहे हैं हम, आपके वाणी दीदी के बीच में नहीं आना चाहते, हम ऐसे चले जाएंगे, हमारे जाने में ही सबकी भलाई है। ऐसे कैसे जाने दूंगा मैं तुम्हें, करूँ, और अगर तुम चाहते हो अपने प्यार को प्रूव करना तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, अभी करनी होगी, आज ही करनी होगी और तुरंत शादी करनी होगी। और इस बार राघव जो है ये शादी करने को तैयार हो जाता है। ये यहाँ पर घर वाले जो है इस डिसीजन से कहीं ना कहीं एग्री नहीं करते, लेकिन फिर भी इस बार राघव अपने प्यार को पाने के लिए, अपने प्यार को प्रूव करने के लिए इस बार वो वाणी से तुरंत ऑन स्पॉट शादी करने को तैयार हो जाता है। और इसी बीच कहानी में दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि भाई किस तरह से यहाँ पर वाणी की माँ जो है बेचारी हमारी मिश्री को बेहद टॉर्चर करते हुए नजर आएंगी, उसके बारे में भली बुरी बातें कहेंगी, और इसी के साथ वो हमारी मिश्री के चेहरे पर कालिक भी पोतते हुए नजर आएंगी। जी हाँ, कहानी में हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पर मिश्री जो है वो हाथ को झटकती है वाणी की माँ की और कहती है कि भाई आपका कोई हक नहीं बनता मुझे घर से निकालने का। और यहाँ पर मिश्री कहती है कि मेरे मांग में राघव जी के नाम का सिंदूर और गले में उनके नाम का मंगलसूत्र है। और इसी बीच आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाई किस तरह से यहाँ पर वाणी की माँ जो है हमारी मिश्री को बेहद टॉर्चर करते हुए नजर आएगी, उसके मुंह पर कालिक पोती कि उसके ऊपर पूरे कचरे का डिब्बा उलट देती है। और इसी के साथ भाई हमारी मिश्री जो है बेहद टूट चुकी है क्योंकि इस बार राघव भी उसका सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहा। तो वही कहानी में दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि भाई किस तरह से यहाँ पर राघव और वाणी जो है अपनी शादी के फेरे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी यहाँ पर मिश्री की आवाज जो है वो राघव तक पहुंचती है, सभी घर वालों तक पहुंचती है, और ये सुनने के बाद भाई राघव भी बेहद घबरा जाता है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि भाई इस बार राघव जो है वो मिश्री का साथ देते हुए नजर आएगा। जी हाँ, बहुत जल्द यहाँ पर वाणी जो है वो राघव से अपना रिश्ता तोड़ देगी और राघव और मिश्री हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे।